इस चुनाव में एक बात की पीड़ा बनी रहेगी, दुख रहेगा मुझे, मजा नहीं आ रहा है। अरे मजा तो तब आए जब मुकाबला बराबरी का हो। मजा कैसे आए जब सामने खड़े प्रतिद्वंदी ने ही हथियार डाल दिए हो। हिमाचल में विधानसभा के चुनाव की तारीख की नजदीकी को अब आप घंटों में गिन सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की रैलियों और सभाओं से पार्टी के दिग्गज ही गायब हैं। सोनिया गांधी ने दर्शन तक नहीं दिए हैं और राहुल सिर्फ एक दिन रैली की खाना पूर्ति कर चले गए। रही बात मुख्यमंत्री वीरभद्र की, तो उनके पास तो अपनी चुनावी सभाओं में सिवाय पैसे की कमी का रोना रोने के कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस 84 साल के एक ऐसे नेता के भरोसे देवभूमि की लड़ाई लड़ रही है जिसके अपने ऊपर ही आरोपों की बौछार है। कांग्रेस पार्टी मैदान छोड़ करके भाग गई। अरे कांग्रेस के दिग्गज नेता यहां आते, धुआंधार सभाएं करते, जनता के बीच जाने की हिम्मत करते, धूमल नहीं तो मोदी पे हमला बोलते। अरे कुछ तो करते भाई। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में इस बार ज्यादा गणित बैठाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के रुख से ही साफ हो गया है कि हवा किस तरफ की बह रही है। इस बार मैं हिमाचल में देख रहा हूं ये हवा का रुख जानने पहचाने का कोई जरूरत नहीं है, यहां तो आंधी चल रही है। आंधी